पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, 155 सीसी का स्कूटर है और टायर फ्रंट टायर देखिएगा भाई कितना बड़ा टायर देखने को मिलता है और फ्रंट टायर की जो प्रोफाइल को दिया गया है ये देखिए। और जैसे ही हम इसके फ्यूल को प्रेस करेंगे बटन को तो इसकी ये फ्यूल लिड ओपन हो जाता है, ये देखिएगा यहाँ पर E20 का सपोर्ट के साथ में हम इसके फ्यूल लिड। टायर की बात कर ले भाई, रियर टायर ये देखिएगा कितना बड़ा टायर है भाई, ये देखिए इतना बड़ा टायर तो बाइक में देखने को मिलता है। R15 वाला टायर इसमें दिया हुआ है, ये देखिए C8 कंपनी का इसमें टायर देखने को मिलता है। और टायर सेक्शन आपको दिखाऊं तो भाई 140 का लग रहा है मुझे, जी हाँ ये देखिएगा 140 70 14 का आपको भाई। इंडियन मार्केट में अभी एकमात्र ये ऐसा स्कूटर है जो आपको बाइक का मज़ा देने वाला है और भाई 155 सीसी में आता है, 155 सीसी का एकमात्र यामा का ये स्कूटर है भाई, और किसी कंपनी का अभी तक 155 सीसी में स्कूटर इंडियन मार्केट में नहीं आया है। और ये जो स्कूटर है काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा चलाने में भी है। आज इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी अपने साथ में है एरोक्स 150, यामाहा का एरोक्स 150 जो कि अभी अपने साथ में खड़ा हुआ है। इसमें क्या कुछ इंजन वारंटी मिलती है, क्या माइलेज मिलता है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, कितनी इंजन वारंटी मिलती है, और जो लोगों का मिथ है कि इसमें R15 का इंजन यामा की ओर से दिया गया है, वो भी आज इस डिटेल में इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर के कलर्स के बारे में। भाई इस स्कूटर में हमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं और वेरिएंट एक ही आता है, लगभग दो वेरिएंट, एक इसमें मॉन्स्टर वाला वेरिएंट भी आता है जो कि अपने साथ में भी खड़ा हुआ है। ये वाला वेरिएंट है देखिएगा, ये मॉन्स्टर वाला वेरिएंट आता है और जो अपने साथ में खड़ा है ये वाला वेरिएंट आता है। इसमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो भी अपने साथ में खड़ा है ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में और गोल्डन अलॉय व्हील के साथ में खड़ा हुआ है। भाई आइए बात कर लेते हैं अब इस स्कूटर की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वज़न के बारे में। भाई अगर वज़न की बात की जाए तो 126 केजी वेट इस स्कूटर में हमें देखने को मिलता है। 155 सीसी का स्कूटर है और 126 केजी वेट हमें इस स्कूटर में देखने को मिलता है। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो 790 mm की हमें इस स्कूटर की सीट हाइट देखने को मिलती है और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें 145 mm का देखने को मिलता है। इस स्कूटर को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखा देता हूँ क्या कुछ इसमें हमें फ्रंट में देखने को मिलता है। फ्रंट वाइजर हमें कुछ इस तरीके का हल्का हाफ ट्रांसपेरेंट हमें इसमें विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और नीचे आपको इसकी सेंटर पैनल पर यहाँ यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेक्शन और नीचे देखिएगा यहाँ पर इसके फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है और DRL यहाँ मिलता है। देखिएगा मैं की को ऑन करता हूँ तो इसके DRL ये देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त इसके DRL लगते हैं और नीचे आपको इसकी लाइट देखने को मिलती है और साइड टर्न इंडिकेटर हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूटर में आपको हैजार्ड लाइट का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो बॉडी कलर में हमें इसका मडगार्ड देखने को मिलता है जो कि आपका फाइबर में है। नीचे आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। भाई पीछे इसमें भाई ये पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, 155 सीसी का स्कूटर है और फ्रंट में आपको 3.5 mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आता है। निशान के इसमें कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट में जो व्हील है इसका ये काफ़ी अल्टीमेट है भाई, देखिएगा गोल्डन कलर में देखने को मिलता है और फ्रंट टायर देखिएगा भाई कितना बड़ा टायर देखने को मिलता है और फ्रंट टायर की जो प्रोफाइल है आइए पास से दिखाइएगा, फ्रंट टायर की प्रोफाइल देख लीजिएगा। इसमें फ्रंट में 110 80 12 का फ्रंट टायर देखने को मिलता है जो कि और किसी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलता है। C8 के टायर मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, देखिएगा ये ट्यूबलेस टायर की पहचान है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, यहाँ पर इसमें प्रोटेक्शन भी दी गई है। फ्रंट जो सस्पेंशन है इसके थोड़े से मेरे को हल्के से लग रहे हैं भाई, इतना बड़ा स्कूटर है और सस्पेंशन बहुत हल्के से यूज़ किए हुए हैं यामा ने, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर इसका हॉर्न दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा साइड से दिखाइएगा, यहाँ पर यामा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ एरोक्स देखने को मिलता है। नीचे दिखाइएगा यहाँ पर 155 को देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर पैर रखने के लिए आपको कुछ इतना सा स्पेस देखने को मिलता है और फ्यूल टैंक भाई इसका ये
यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिएगा यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलता है, और उसके फ्यूल टैंक को जैसे हम खोलने का, ये देखिए यहाँ पर ऑन पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए पास से दिखाइए थोड़ा, यहाँ फ्यूल और सीट को दिया गया है ये देखिए। और जैसे ही हम इसके फ्यूल को प्रेस करेंगे बटन को, तो इसकी ये फ्यूल लिड ओपन हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर E20 का सपोर्ट के साथ में हमें इसकी फ्यूल लिड देखने को मिलती है, और इसमें हमें 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है भाई। और इसको हम यहीं से ऑफ बंद कर सकते हैं, ये देखिएगा सिंगल प्रेस में ये बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स कह सकते हैं, छोटा सा बॉक्स कह सकते हैं, इसको भी हम यहाँ से प्रेस करके को ओपन करेंगे, और इसमें अंदर आपको एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। ये देखिएगा यहाँ पर एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, और जिसकी हेल्प से यहाँ आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर चार्ज करके रख सकते हैं। ये देखिएगा सीट की बात कर लें, सीट देखिए भाई कितनी अल्टीमेट है, राजा महाराजा वाली सीट लग रही है भाई। ये देखो कितना ज़बरदस्त सीट का पोस्चर है, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर एरोक्स को मेंशन किया गया है, और सीट काफ़ी कंफर्ट लग रही है। इसकी टेल यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको 150 को मेंशन किया गया है, और ये देखिएगा यहाँ पर एरोक्स, इसकी एक्स शेप जो दी गई है काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ किल स्विच मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी मिलता है, और काफ़ी हैवी है। ये क्या है भाई, ये जो है ये इसका काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है, इतना बड़ा इसका फ़िल्टर देखने को मिलता है। ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे आपको इसका इंजन का क्लच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और रियर में देखिएगा भाई आपको इसमें सस्पेंशन जो है डबल दिए गए हैं। ये देखिएगा उस साइड भी और इस साइड भी बाइक वाले सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल नहीं है। टायर की बात कर लें भाई, रियर टायर ये देखिएगा कितना बड़ा टायर है भाई। ये देखिए इतना बड़ा टायर तो बाइक में देखने को मिलता है, R15 वाला टायर इसमें दिया हुआ है। और टायर देखिएगा C8 कंपनी का है, इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए C8 कंपनी का इसमें टायर देखने को मिलता है। और टायर सेक्शन आपको दिखाऊं तो भाई 140 का लग रहा है मुझे, जी हाँ ये देखिएगा 140/70/14 का आपको इसमें रियर टायर देखने को मिलता है, यानी कि रियर में भी आपको 14 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, और फ्रंट में भी आपको 14 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है। ये देखिएगा यहाँ पर ABS की प्लेट लगी हुई है नीचे, और इधर आपको इसका ये देखिएगा यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि अल्टीमेट है। रियर प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ उसकी, यहाँ से जैसे ही मैं की ऑन करूँगा इसकी टेल, ज़रा की ऑन करना भाई, की ऑन करो इसकी, ये देखिएगा टेल देखिएगा काफ़ी अल्टीमेट है, और LED में हमें इसकी टेल देखने को मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए, हैजार्ड लाइट का फीचर मिलता है, और छोटे वाले आपको इसमें साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं जो पहले R15 में आपको देखने को मिलते हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा, आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की भाई। इसमें यामा की ओर से 155 cc का इंजन दिया गया जो कि 4-stroke एंड 4-valve के साथ में आता है। BS6 Phase 2 वाला स्कूटर इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। जिन लोगों को ये मिथ है कि इसमें R15 वाला इंजन लगा कर दिया गया, नहीं भाई इसमें R15 वाला इंजन नहीं है, इसका इंजन अलग है R15 से, क्योंकि इसमें उससे प्रॉपर ये गियर बॉक्स के साथ में नहीं आता है, वो गियर बॉक्स के साथ में आता है, ये इंजन अलग है, और ये वो R15 वाला इंजन अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें R15 वाला इंजन लगाकर दिया जाए। अगर इसके इंजन की मैक्सिमम पावर की तो भाई इसमें 15 PS की पावर देखने को मिलती है 8000 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो इसमें 13.9 Nm का हमें टॉर्क देखने को मिलता है 6500 RPM पर। पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है यामा की ओर से काफ़ी ज़बरदस्त रखा गया है, जिससे हमें इस इंजन इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है, माइलेज की बात वीडियो में आगे करेंगे। ये अब बात कर लेते हैं इसके सभी फीचर्स बटन की और इसके मीटर की भाई। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डेडिकेटिंग पासिंग स्विच देखने को मिलता है, हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है, नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर का स्विच और उसके नीचे हॉर्न स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके राइट साइड में आपको ऑटो कट का फीचर्स देखने को मिलता है जो कि मैं भी आगे बताऊँगा इसका क्या यूज़ है। नीचे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिलता है भाई, इस स्कूटर में आपको हैजार्ड लाइट का स्विच भी मिलता है। नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिलता है। आइए अब इसके मीटर के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ हमें इसके मीटर में देखने को मिलता है। इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, और दोबारा दिखाइएगा पीछे से, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी हमें इसमें देखने को मिलता है। ये देखिएगा TCS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें हमें देखने को मिलता है। ऊपर आपको डिजिटल क्लॉक देखने को मिलेगी, इधर RPM मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑडियो मीटर देखने को मिलेगा, नीचे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर सेंटर में यहाँ दिखाइए सेंटर में आपको यामा का लोगो भी देखने को मिल जाता है। फ्यूल गेज यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये देखिए TCS देखने को मिलता है, RPM देखने को मिलता है,
और भाई इसके ये देखिएगा मेन्यू, यहाँ मेन्यू में जाएंगे तो ये देखिएगा यहाँ से ऑडियोमीटर ट्रिप वन और ट्रिप टू, ट्रिप एफ ओ और ईको ये देखने को मिलता है यहाँ पर, और एवरेज रियल टाइम एवरेज भी ये स्कूटर में दिखाता है कुछ इतने सारे नेविगेशन आपको। और भाई यहाँ भी ये भी दिखा दीजिएगा, ABS में मिलता है इसमें, सिंगल चैनल ABS स्कूटर में मिलता है, हैजर्ड लाइट का फीचर इसमें मिलता है। आइए अब इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसकी सीट हाइट भी चेक कराता हूँ और स्टार्टिंग भी चेक कराता हूँ, इंजन साउंड भी सुनवाता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है इसकी सीट की सीटिंग पोर्शन, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इस स्कूटर पर बैठ रहा हूँ तो भाई फीलिंग आ रही है कि भाई किसी स्कूटर की सीट पर बैठे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। बैठने का जो पोर्शन है इतना अल्टीमेट है कि भाई फीलिंग आ रही है कि एक अलग ही लेवल के स्कूटर या बाइक पर बैठे हैं। ये स्कूटर बाइक का कॉम्बो है एक तरीके से। और ये देखिएगा कितना शार्प पैर आराम से टच कर रहे हैं धरती पर। सीट हाइट मेरी हाइट जो है 6 फीट है और इसकी जो सीट हाइट है 790 mm, उस हाइट के हिसाब से बिल्कुल आराम से मेरे पैर धरती पर टच कर रहे हैं। उसका कारण क्या है ये देखिएगा, ये सीट का जो पोर्शन है इतना ज़बरदस्त दिया गया है कि आप आराम से, आपके अगर हाइट कम है ना तो हाइट कम वालों के लिए भी ये स्कूटर बेस्ट है, क्योंकि इसकी सीट हाइट 790 mm होने के साथ साथ में सीटिंग पोर्शन काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। आइए अब इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको इसका इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाता हूँ। ये देखिएगा स्टार्ट हो गया भाई, ये क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। ये यामा और होंडा के स्कूटर में ही आपको देखने को मिलेगा कि इनकी स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आइए आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनवा, आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो भाई पर्सनली ये स्कूटर काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, तबाही मचाने वाला है। टॉप स्पीड क्या है इसकी बताऊँ, 120 की टॉप स्पीड ये स्कूटर देने वाला है। 155 सीसी का स्कूटर है और काफ़ी अल्टीमेट लग रहा है यार, आवाज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके इंजन को हम इसकी की से ही ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी सीट भी चेक कर लेते हैं, हमें कितना इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर ओपन पर करके, यहाँ ओपन पर सेट करके इसकी की को, और यहाँ से सीट का बटन जैसे प्रेस करेंगे तो इसकी सीट खुल जाती है भाई। ये देखिएगा भाई, कुछ इतना सारा स्पेस, एक बड़ा हेलमेट आप आराम से कैरी कर सकते हैं भाई। ये इतना स्पेस है जितना हमें जुपिटर 125 में देखने को मिलता है, उसमें आराम से आप दो छोटे हेलमेट कैरी कर सकते हैं, बट इसमें एक बड़ा हेलमेट और बहुत सारा सामान आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। यहाँ को इसको ये देखिएगा, यहाँ पर हमें इसका चेसी नंबर देखने को मिलता है। ये देखिएगा ये इसका चेसी नंबर है, और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, मोटरसाइकिल कनेक्टिंग, यहाँ पर यामा मोटरसाइकिल कनेक्टिंग का कुछ इसके सब इक्विपमेंट यहाँ पर दिए गए होंगे। और बूट स्पेस भाई काफ़ी अल्टीमेट है, पर यार इसमें मेरे को इसकी टूल किट्स वगैरह नहीं दिख रही, वो किधर है भाई, आई होप इसमें होंगी नहीं, अभी शोरूम वालों ने निकाल रखी हों। तो कुछ इतना सा स्पेस हमें इसके बूट स्पेस में देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। आइए बात कर लेते हैं भाई इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज, वारंटी की। भाई प्राइस की बात की जाए तो सबसे पहले प्राइस की बात मैं कर लेता हूँ। ये जो स्कूटर है आपको 149,900 रुपये का एक शोरूम देखने को मिलता है, और कंप्लीट ऑन रोड आते आते आपको ये स्कूटर लगभग 185,000 रुपये तक पड़ेगा। भाई इस स्कूटर पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है और आपके लिए एक बेस्ट ऑफर भी है भाई। अगर आप हमारी वीडियो देखकर शोरूम पर पहुंचते हो तो ये जो शोरूम है लोकेटेड है शेरपुर के अंदर, महालक्ष्मी यामा के नाम से, जो कि शेरपुर के अंदर लोकेटेड है। और अगर आप इस वीडियो को देखकर शोरूम पर आते हैं तो आपको इस स्कूटर पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारी वीडियो देखकर जाओगे और शोरूम वालों को बोलोगे कि भाई हमारे वीडियो देखकर आ रहे हैं तो आपको इस पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। तो भाई ऑफर लिमिटेड समय के लिए, फटाफट आइएगा। और बात कर लेते हैं अब इसकी वारंटी की, इंजन वारंटी की। भाई इस स्कूटर में यामा की ओर से 2 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड की जाती है 30,000 किलोमीटर तक। और बात करें अब इसके माइलेज की, तो भाई माइलेज इस स्कूटर से ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक ठाक का मतलब क्या है, ये भाई 155 सीसी का स्कूटर है, और 155 सीसी का स्कूटर होने के बाद में ये मात्र 126 केजी वेट के साथ में आता है। भाई भारी स्कूटर है और नहीं भी, क्योंकि 155 सीसी के जो बाइकें आती हैं या जो स्कूटर आते हैं उनमें 140 केजी से प्लस वेट हो जाता है, बट इसमें आपको 126 केजी वेट देखने को मिलता है भाई। उसके साथ में एवरेज भी ठीक देगा, क्योंकि कम वेट होने की वजह से ये एवरेज ठीक ठाक निकाल के दे देगा भाई। आराम से ये स्कूटर आपको
35 से 40 का एवरेज निकाल कर देने वाला है। बाकी आपकी राइडिंग पर भी डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से अपने स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं। रोड कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की रोड कंडीशन है, और सर्विस टाइम से अगर आप स्कूटर के नहीं कराओगे तो फिर एवरेज स्कूटर नहीं देगा भाई, टाइम पे सर्विस भी तो होनी ज़रूरी है। तो लगभग 35 से 40 का एवरेज आपको देने वाला है। बाकी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप हमारे व्यूअर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एरोक्स कितना एवरेज निकल। भाई आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारा चैनल है राहुल सैनी ऑटो हॉक के नाम से, और अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर हमारी प्रोफाइल है राहुल सैनी PJ के नाम से। तो फटाफट जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।